मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय राजकीय सामुदायिक केंद्र पर भामाशाह सहयोग से सैनिटाइजर चैम्बर का हुआ उद्घाटन। मारवाड़ जंक्शन जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज भामाशाह सहयोग से पूर्णतया अत्याधुनिक सैनिटाइजर चैम्बर का उद्घाटन मारवाड़ जंक्शन विधायक कुशवीर सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह, उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, चिकित्सा प्रभारी मारवाड़ धीरेन्द्र कुमार सक्सेना, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार की उपस्थिति में किया गया। भामाशाह के सहयोग से इससे सैनिटाइजर चैम्बर कक्ष के लग जाने से आज से आरंभ होने से चिकित्सा विभाग एवं मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के लाखों लोगों को कोरोना महामारी में राहत मिलेगी। गौरतलब रहे कि उपखंड मारवाड़ जंक्शन में बीते कई दिनों से अस्पताल परिसर में मरीजों की संख्या ओडीपी की बढ़ रही है। इसको मद्देनजर अस्पताल चिकित्सा प्रभारी ने भामाशाह सहयोग से इस अत्याधुनिक सैनिटाइजर चैम्बर को आज शुरू करवाया गया। यह आधुनिक सैनिटाइजर चैम्बर विद्युत किरणों से अस्पताल में आने वाले हर मरीजों और परिजनों को इस सैनिटाइज चैम्बर से होकर गुजरना पड़ेगा। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी द्वारा इस सैनिटाइजर चैम्बर में सोशल डिस्टेंस के लिए अतिरिक्त जाप्ता व्यवस्था में लगवाए गए हैं। हमारे मीडिया के साथियों को भी, भाइयों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ तो समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। मैं इनको मेरी हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा, इनको सल्यूट करना चाहता हूँ, दिल से इनकी सोच को सल्यूट करता हूँ कि ऐसा काम एक नवाचार के रूप में आपने प्रारंभ किया है और ये सैनिटाइजेशन का जो काम आपने चैम्बर बना के और वो भी इस बंद के दौरान, कई चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, आपने जुगाड़ किया और लॉकडाउन का आपने पैसे पर उल्लंघन नहीं किया। आप चाहते तो दुकान खुलवा के भी सामान नया निकलवा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए आपने जुगाड़ के माध्यम से ये जो स्प्रे करने के लिए जो भी पेशेंट आएगा इसमें से निकलेगा उसके ऊपर स्प्रे होगा और उससे पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन हो जाएगा। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने अभी SDM साहब से, हमारे साथियों से, तौर साहब से, अनीत साहब से चर्चा की है और ये तय किया कि अपन और जिस तरह भीड़ आ रही है और हॉस्पिटल में या बैंक में या ऐसी जगह, तो वहाँ पे भी इस तरह का एक कैबिन बनाकर हम करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस कार्य के लिए।